अग्रवाल महासभा द्वारा एक होटल में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक गणेश जोशी, पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल एवं शहर के कई लोगों ने शिरकत की। देश के प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी है, 2015 की रैली में उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो एक माँ शिक्षित होती है, पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए आज बेटियों को बचाने की आवश्यकता है, बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता है और समाज को जागृत कर अपनी संस्कृति को फिर जिंदा करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में स्थानीय बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी एवं जन जागरूकता का कार्यक्रम दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। जब हम लिंग अनुपात की जब हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही निराशाजनक आंकड़े हमारे सामने रहते हैं। हम इस समाज से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि बेटियों के साथ जिस तरीके की क्रूरता हो रही है, निर्भया जैसे कांड जहां हो रहे हैं, हम बिल्कुल भी इस समाज से ये उम्मीद नहीं करते। हम एक आम इंसान के रूप में एक औरत को भी देखना चाहिए, बेटी को देखना चाहिए, हम उसी समाज की कल्पना करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत 7 परिवारों को बेटी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया। ये हमारा पहला प्रयास है और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे भी करें। हमने बहुत देखा, बहुत सोचा, लेकिन यहाँ पे बहुत छानबीन करने के बाद हमें इस तरह के यहाँ पे 7 माता पिता मिले हैं, उनको हम यहाँ पे ऑनर कर रहे हैं। तो हम लोगों उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनाया, जब उनके घर में सर्टिफिकेट लगेगा तो उनको गर्व होगा अपनी बेटियों पर कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई और उनसे हमें सम्मान मिला। देवभूमि न्यूज़ के लिए मसूरी से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।